ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब खबर खेल के मैदान से, जहां भारत और बांग्लादेश के बीच आज दूसरा वनडे होने जा रहा है। आज 2:30 बजे से मीरपुर में दूसरा वनडे खेला जाएगा और टीम इंडिया के लिए ये मैच जीतना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर टीम इंडिया आज हार जाती है तो वो सीरीज भी गंवा देगी और साथ में बता दें आज टीम इंडिया जीत के इरादे से उतरना चाहेगी, क्योंकि आज अगर वो हारती है तो ये सीरीज भी हार सकती है। साथ ही जो साख है उसको भी बचाना जरूरी है आज के इस मैच के जरिए। और आज के इस मैच पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ में जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या कहेंगे, आज करो या मरो? जीते जाज करो या मरो, जहां दुनिया कर रही है योगा, वहीं खेल प्रशंसकों के मन में सवाल है कि आज टीम इंडिया का क्या होगा, क्योंकि अब हारे तो कब हारे। ये जो स्माइल आप मेरे पीछे देख रहे हैं कप्तान कूल की, ये शायद उधर ट्रांसफर हो जाएगी मुर्तजा के पास अगर भारतीय टीम आज हारती है। और टीम अगर आज हारती है तो बांग्लादेश नया रिकॉर्ड बना लेगी, वो भारत के खिलाफ पहली बार सीरीज जीत जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की, यानी दूसरे वनडे की, जो आज 2:30 बजे से खेला जाएगा। यहां पे भारतीय टीम को आज जीतना बहुत अहम होगा, क्योंकि आज हार गए तो सीरीज चली जाएगी। क्योंकि पहले वनडे में हमने प्रदर्शन देख लिया, 19 साल के गेंदबाज के आगे नतमस्तक हो गए 5 बल्लेबाज। तो वही दूसरी तरफ अगर बात करें टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर की, तो मिडिल ऑर्डर सिंस वर्ल्ड कप फ्लॉप होता आ रहा है। कभी रैना नहीं चलते तो कभी जडेजा नहीं चलते, कभी धोनी टीम का साथ बीच में छोड़ जाते हैं तो कभी शिखर धवन अपनी पारी नहीं संभाल पाते हैं जी। तो ये थे मिडिल ऑर्डर की कहानी। तो तेज, आज हम आपको उन 5 बल्लेबाजों से मिलवाएंगे और गेंदबाजों से, जिनका आज चलना बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आज वो नहीं चलते हैं तो टीम की नैया डूब जाएगी। तो सबसे पहले बात उप कप्तान विराट कोहली की, जो पिछले मैच में महज 1 रन बनाकर आउट हो गए। और अगर पिछली पारियां देखें, वर्ल्ड कप में भी सिर्फ 107 रन उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक शतक लगाया था, उसके बाद कोई कमाल नहीं कर पाए। विराट कोहली अपना विराट रूप नहीं दिखा पाए और शांत रहे। जिस प्रकार से बल्लेबाज जो है कहीं ना कहीं चूक रहे हैं, क्या लगता है आज की पिच जो है उसका मिजाज भी बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा इस मैच के लिए? जी तेज, देखिए वहां की अगर बात करी जाए, ऑल ओवर कंडीशन की बात करी जाए मीरपुर की, तो मीरपुर का जो मैदान है वो काफी गर्म है, और सबसे ज्यादा वहां जो फायदा होगा वो मीडियम पेसर्स को होगा। तो पिछली बार भी मीडियम पेसर्स के खिलाफ भारत ढेर हो गया था और इस बार भी हो गया था। वहीं अगर बात करी जाए भारतीय गेंदबाजों की, तो भारतीय गेंदबाजों पे काफी दरमदार रहेगा, क्योंकि पिछली बार मीडियम पेसर्स ने काफी रन लुटाए थे। तो तेज, ये तो हुई गेंदबाजों की बात। जहां अगर हम बल्लेबाजों पर वापस आए तो बात शिखर धवन की होगी, क्योंकि शिखर धवन पिछले मैच में 30 रन बनाए थे, काफी अच्छे दिख रहे थे, आगे स्कोर अपना ले जा रहे थे, लेकिन वो फेल हो गए। शिखर धवन का आज चलना बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में कप्तान कूल महेंद्र सिंह धोनी, छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं, लेकिन पिछली बार वो 5 रन पर ही टीम को बीच में छोड़ के चले गए। तो आज धोनी का चलना बेहद इंपॉर्टेंट है। और वहीं अगर हम बात करी जाए सर रविंद्र जडेजा की, तो खुद को ऑलराउंडर कहते हैं लेकिन उनका प्रदर्शन ऑलराउंडर जैसा दिख नहीं रहा, ना ही वो वर्ल्ड कप में ज्यादा प्रभावी गेंदबाजी कर पाए, ना बल्लेबाजी और ना बांग्लादेश की सीरीज में। वहीं अगर बात करी जाए मोहित शर्मा की, जो पिछले मैच में बहुत महंगे साबित हुए थे, 4 ओवर फेंके थे उन्होंने और 58 रन के आसपास, 4 ओवर के साथ 58 रन उन्होंने दिए थे, महज 1 विकेट उनके खाते पे आया था। ईशांत शर्मा का एज ए रिप्लेसमेंट माना जा रहा है ये गेंदबाज, तो इनके लिए बहुत अहम हो जाएगा आज प्रदर्शन करना, क्योंकि तेज आज हारे तो कब हारे, और साख पे बट्टा लग जाएगा, 2007 की हार याद आ जाएगी भारतीय टीम को। तो आज का मैच करो या मरो जी प्रशांत, आज करो ना मरो वाली स्थिति हो जाएगी टीम इंडिया के लिए, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच में आज दूसरा वनडे है, और अगर ये नहीं जीता तो कहीं ना कहीं वो सीरीज के साथ साथ साख भी कमा सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश के तमाम ताज़ातरीन खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.firstindianews.com पर भी जा सकते हैं, साथ ही अपने एंड्रॉइड फोन से फर्स्ट